कुम्हारी थाना अंतर्गत स्थित कृष्णा एनर्जी पेट्रोल पंप के चैम्बर में घुसकर कुछ अज्ञात गुंडों ने वहां के कर्मचारियों को बुरी तरह पिटाई कर दी। 24 घंटे बीत जाने के बाद कुम्हारी पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है, जबकि जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है इसमें 5 आरोपी पंप कर्मचारियों को मारते और गाली गलौज देते साफ दिख रहे हैं। कृष्णा एनर्जी पेट्रोल पंप में कार्यरत रोहित सिंह ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई कि प्रार्थी के साथ 2 और कर्मचारी कार्य में उपस्थित थे। 2 अक्टूबर की दरमियानी रात कार सवार 5 अज्ञात व्यक्ति आए और पेट्रोल डालने के लिए कहा। प्रार्थी ने कहा कि पहले पेमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे साथ 2 बार पेट्रोल डलवा कर कार वाले भाग गए हैं, इसलिए पहले पेमेंट डाल दीजिए। ऐसा कहने पर सभी गाली गलौज करने लगे, उसके बाद मारपीट करने लग गए और ऑफिस में भी घुस कर मारपीट करने लगे, तोड़फोड़ भी किए और उन लोगों ने कहा कि मोबाइल में बोल कि मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा। प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसके साथ जबरदस्ती मारपीट किए। ये घटना रात के 3 बजे से 3:20 तक की घटना है। 15 से 20 मिनट के अंदर गाड़ी में टाटा जेस्ट CG04HX0396 गाड़ी आई थी। इसमें 5 लोग सवार थे, युवक करीब 19-20 साल के लग रहे थे। उनका कहना था कि उनको पेट्रोल चाहिए, हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल ड्राई हो चुका था, प्लस रात में पेट्रोल डला के युवक भाग जाते हैं, जिस वजह से रात में पेट्रोल नहीं दिया जाता। उनको मना करने पे वो लड़कों के साथ मारपीट किए, ऑफिस के अंदर घुस के ऑफिस का सामान इधर उधर किए, तोड़फोड़ किए और यहाँ से गए। इसकी शिकायत हमने कुम्हारी थाना TI सर के पास की है, FIR दर्ज हो चुका है, बाकी कार्रवाई का हम लोग वेट कर रहे हैं। कम से कम इनको जेल तो होना ही चाहिए, और हमारे स्टाफ के जिस तरीके से मारा गया है, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, जिस तरीके से इनको मारा गया है, इसका कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलना चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी पेट्रोल पंप में इस तरह का कोई भी घटना होने से पहले लोग सोचें या करने से पहले लोग सोचें। इस पूरे मामले में कुम्हारी पुलिस ने CCTV कैमरा के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बीती रात को SP पेट्रोल पंप कुम्हारी में पेट्रोल डलवाने के नाम को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी और अज्ञात व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हो गया, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। आरोपी अज्ञात होने से आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। सर, किन किन धाराओं के तहत अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया सर? आरोपियों के खिलाफ 294, 323, 506 और 147 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, प्रार्थियों का कहना है कि लूट भी हुआ, ऐसा कुछ है क्या सर शिकायत? उसके संबंध में जांच की जा रही है, अगर घटना में ऐसे कोई भी तथ्य आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस CCTV कैमरा के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।